नहीं सुनाई दिया यार एक्साइटेड देयर यू गो हियर के 90% लड़के ऐसे देखते हैं अरे एक्साइटेड तो दिखाओ ना अच्छा मृणाल आई आई नीड टू आस्क यू बिकॉज़ आई आई नो यू फ्रॉम मेनी मेनी इयर्स एंड व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज ऑन टेलीविजन इन फिल्म्स बोथ बट व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू नो आई एम गोना बी शेयरिंग द स्क्रीन विद वन ऑफ द फाइनेस्ट मेल एक्टर्स इंडिया हैज सीन शाहिद कपूर व्हाट वाज योर रिएक्शन सारी लड़कियां तो जलसोने

तो एक्चुअली एक काम करते हैं कि आई एम गोइंग टू चेक दिस फैक्ट विद शाहिद हिमसेल्फ की क्या एक्चुअली तुम्हारे अंदर की गीत बाहर आ गई थी जब तुमने शाह को देखा था एंड लाइक शी राइटली सेड यू नो एवरी टाइम आई हैव सीन हिज आई हैव सेड दैट यू नो थैंकफुली वी हैव एन एक्टर लाइक दिस तो एक बार जोरदार तालिया फॉर आर फेवरेट शाहिद कपूर और अब लड़कियां सब कर सकती हैं हाथ किसको चांस देना है is Ladies and gentlemen, Shahid Kapoor. Come on! Welcome, sir. Well, thank you so much, everybody, for being here today. Uh, this is uh, a little cute little event called Jersey of Dreams that we have put together today for a film that really is a dream of ours, which is coming true after two years. We started shooting this film two years back. We finished it last year in December, and finally, it's out to release. On the 31st of December, um, worldwide, some places on the 30th. Um, and we can't believe that uh, we're in a theater promoting it and uh, it's it's almost home. So uh, we're really excited to bring this baby home. Uh, we're really excited that all of you are here participating and supporting us. I really always feel a lot of fraternal love. and yeah. We're doing what we all love doing, what we have been doing all our lives. And I feel blessed to be here. So thank you so much for this wonderful welcome. Thank you, Ronald, for your amazing words. Thank you, my friend, for saying such nice things about me. Thank you. I know you were paid for it, but hopefully Actually some, I'm of, it, <laughs> some of it came from your heart.) <laughs> but, but we're really happy to be here and uh, share this film with you. and you know, there's going to be some musical stuff happening tonight. I'm very excited to uh, listen to the songs live. I've never done that before, for a film of mine, so I'm very excited about that. Uh, we have a really beautiful little thing to do with something which is very iconic. You know it, it looks very simple, a jersey, but it has uh, a man's entire life in it. You know, when you get to wear it for the first time as a sportsman, it's a certain honor that you feel. You know, I don't know how much of you have seen those moments uh, when uh, you know, a new player is given the cap and then he gets his uniform for the first time, and if you just look really hard in his eyes. आपको दिखाई देगा कि उसकी पूरी जिंदगी उस वक्त उसके दिमाग में घूम रही होती है सो so ये बहुत ही uh, एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है और uh, ये फिल्म भी बहुत ही पर्सनल और इमोशनल और ह्यूमन फिल्म है एंड वी होप दैट यू फील व्हाट वी फेल्ट मेकिंग इट एंड थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग तो right, so, एक और चीज है जो इस फिल्म के बारे में बहुत स्पेशल है और वो है इसका म्यूजिक एंड आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई एम रेडियो होस्ट मेरे यहाँ जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो आजकल सिर्फ और सिर्फ uh, जर्सी के गानों के लिए आ रही है बट आई एम गोट टेल विच इज माई फेवरेट सॉन्ग बट मुझे इन दोनों से पूछना है कि आप लोगों की गाड़ी में आजकल जर्सी का कौन सा गाना ऑन लूप बज रहा है मेरी गाड़ी में uh... मैया मैनू गाड़ी में बहुत बचता है वर्कआउट hmm. करते हुए महरम बचता है ah. <laughs> और थोड़ा ऐसा डांस करना होता है और इजी फील होना होता है तो बलियर बचता है ओके okay. और जब थोड़ा इमोशनल मूड में होता हूँ तो जिंद मेरी है जो अब शायद आज लोग सब सुनेंगे पहली बार पहली, पहली वो, बार वो बचता है yeah. तो Rinal, मेरे you, मन में पूरी एल्बम बचती है पूरी एल्बम बचती है आई हर्ड दैट आप गाते भी हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे बट मृणाल इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम एल्बम सी दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइंड जहाँ सॉन्ग्स इतने पसंद किए जा रहे हैं एंड इट्स आई एम कोलेबरेटिंग विद सचेतन परम्परा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर फेब्यूलिस उन्होंने दिल जीत लिया यार सारे गाने जिस पियर्स इज राइट हियो लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छुआ है वो है महरम और आई थिंक दैट सॉन्ग इज़ यू नो एन यू वेक अपन यू बुथ दिस म्यूजिक ऑन प्य पुथ दिस सॉन्ग ऑन दिस इज़ फायर दैट जस्ट इग्नाइट्स विद इन यू एंड No नो मैटर हाउ बैड डे यूर हैविंग नो मैटर वर्ट इज गोइंग ऑन एंड दैट सॉन्ग जस्ट चर्ज यू अप मुझे लगता है हम सबको वो एक गाना ऐसा चाहिए होता है विच शूड जस्ट लाइक इग्नॉइट द फायर विदिन आस So मेहरम फोर मी एंड बलिए वैन यू नो आई एम इन द कार एंड यू नो आई एम वर्किंग आउट yeah, it's a it's a lovely it's a lovely album. And I कोई ज़्यादा फेवरेट या कम फेवरेट नहीं है वो सारे सॉन्ग्स मेरे लिए उतने ही प्यार है क्योंकि बहुत करीब है मेरे दिल के ये सॉन्ग और ये फिल्म और आई जस्ट होप दैट यू गाइज लाइक इट टू And uh, just before we start, my Sachet and Parampara, where are you guys? Ah, The stars of the evening are waiting backstage. Don't worry, we're going to introduce you, make you sound amazing. But uh, I just want to say this about uh, Sachet and Parampara. Um, you know, uh, they were supposed to do music for one of my films and that didn't work out and... Um,

और सचेत uh, ने तो गाने भी नहीं दिया किसी और को पूरी कोलूम खुद ही गा लिया नहीं बट एक्चुअली एक्चुअली बड़ी फनी चीज़ थी कि ये मुझे कॉल करके कहते रहता था कि यार मैं ना किसी और की आवाज़ कर लेते हैं हर गाना मैं कैसे कर सकता एंड आई शू सी बट इट्सिंग सो गुड हाउ कैन बी यूज सम्बडी एल्स यू नो सो टू सचेत परम्परा कंग्रेचुलेन परंपरा देवी देर न्यू किड्स एंड दे आर वेरी टैलेंटेड और यू uh, नो you know, ये अक्सर हो रहा है कि हम ज्यादातर रिमिक्स ही देखते हैं या रिक्रिएटेड सॉन्ग्स ही देखते हैं यू नो दे आर क्रिएटिंग सम रियली गुड ओरिजिनल म्यूजिक सो अ बिग शाउट आउट फॉर अचेतन परंपरा

राइट right, तो अब एक आ, दो लोग हैं हैं ये तुमा... दो लोग सो रहे है, है? 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 है थिएटर में आके जब तक समोसा नहीं आता थोड़ा पॉपकॉर्न नहीं मिलता है ना वाइब नहीं आती ना खिलाएंगे हम आपको दबा के कितने खा लेते हो आप एक टाइम में बारह कौन बोला बारह कौन बोला बारह कौन बोला ये इसने बोला होगा हाँ <laughs> अरे सबने मास्क पहना कुछ समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है नो बट या समोसाज विल हैपन अमन समोसाज हैव टू हैपन ब्रो कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए समोसा समोसा ठंडा नहीं होना चाहिए ब्रो <laughs> यार डायलॉग बोल दिया फिल्म का इस पे तो ताली बजाने लाइव हुआ है <laughs> हां ऑलराइट

मियाँ बीवी <laughs> बन जाए थिंक <laughs> so, इनकी रिलेशनशिप में ये तीनों दौरों से गुजरी और एक दिन मुझे लगता है परंपरा नहीं प्रपोज किया होगा सचेत तो प्रपोज करने का चांस ही नहीं है हाँ? <laughs> <laughs> तो एक्चुअली वो जवाब हम इनसे यहां पर बुला के लेते गाइज हैंड्स अप फॉर सचेतन परंपरा उन दोनों की केमिस्ट्री उनकी आवाज में झलकती है और राइट right, तो अब आप बताना चाहेंगे कि भाई बहन या पति पत्नी <laughs> अभी भी दोस्त हैं सबसे अच्छा रिलेशन यही होता है दोस्ती का मेरे हिसाब से और मतलब बेसिकली यही होता है लड़के दोस्त दोस्त बोल के लड़की को पटाते हैं हाँ <laughs> इसने भी वही रूट पड़का पकड़ा हम तो दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं अच्छा कॉफ़ी पे चले वेल डन सचेत वेल डन अरे बट आई थिंक आई एम रियली लकी टू है उसके बाद तो चीज मतलब आप जानते हो कितने मतलब यार हम जर्सी के प्रमोशन के लिए आए सिर्फ तेरे रोमांस का ही चलने <laughs> तो oh, oh, so <laughs> रोमांसर तो तो बहुत पैसा कमाना है आपसे हम बात करेंगे आपसे uh, आप तो मैं पूरे दिन भर बात कर सकती हूँ टिकट ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुले पचास साल पूरे हो गए भाई शार्दुल हाउ एक्साइटेड आर यू

वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक ये जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे आई आज तो तुम लोग फ्री में आ गए अगली बार पैसे दे के आना ठीक है ऑल राइट एंड नाव पैसे से याद आया फ्रेड्यूसर कितने खुश हैं आप यहाँ पर आज बिकॉज ड्यूरिंग कोविड यू डिट गेट अ चांस टू मीट दिस इज द रियल थिंग जिसके लिए हम लोग मूवीज या कुछ भी करते हैं दे आर गोइंग क्रेजी कॉन्सर्ट फील आ गया था वहां पर लोग मोबाइल शुरू कर करके हाउ वॉट इज इज दैट यू वॉन्ट टू सेवरीबडी आउट Um, no, we're very uh, thankful that I'm the and uh, we're very happy that that you guys are here to experience the whole mm -hmm. film with us. And in seven days, we'll be here on the screen. Okay, so what was your biggest dream? Big <laughs> biggest dream was just making movies. Just making movies. That's it. All right, I'm going to ask them their dreams because you know we all what, what has been your biggest dream? Shardu.

ऐसे एक चीज़ बोलना बहुत मुश्किल है लेकिन क्योंकि हम यहाँ इस मंच पर जर्सी को प्रमोट कर रहे हैं और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है इसलिए इस फिल्म के अंदर एक बात है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम अमूमन क्योंकि मैं सत्रह अठारह साल काम कर चुका हूँ मैंने आई थिंक थर्टी फाइव फोर्टी फिल्म की हैं उनमें से शायद चौदह पंद्रह चली होंगी बीस बाईस नहीं चली उनको लोग ऐसे भूल जाते हैं यू you नो know? लेकिन उस फिल्म के पीछे जितने लोगों ने मेहनत की होती है जितने लोगों ने काम किया होता है जितने लोगों की रोज़ की मश, मशक्कत होती है करेक्ट वो लोग भूल जाते हैं वो लोग जब एक टीम uh, मैच खेलती है और दो रन से हार जाती है तो जब वो वापस जाती है तो उनको हल्की सी ताली भी नहीं मिलती है नो you know? क्या उन्होंने कम मेहनत की क्या उनकी कोशिश कम थी क्या वो वो दे नॉट वर्किंग विद द सेम स्पिरिट एज दैड अर्लियर यू नो तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आएंगी जो अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हैं हम सब करते हैं लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो कोशिश को सेलिब्रेट करती है ब्यूटीफुल जो ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है जो एक इंसान के अंदर की जो प्योर फीलिंग है उसको सेलिब्रेट करती है और मैंने इस अठारह उन्नीस साल में यही सीखा है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा कौन सा दिन अच्छा जाएगा कौन सा दिन बुरा जाएगा लेकिन आपने पूरे दिल से कोशिश की क्या क्या आप सोने से पहले अपनी शक्ल शीशे में देख के कह सकते हैं कि यार मेरे अंदर जो भी था मैंने सब दे दिया खुशी hmm. hmm. उसमें होनी चाहिए करेक्ट और एक्चुअली सेलिब्रेशन के वर्दी वो चीज़ होती है सो टुडे आई वांट टू से दैट दिस फिल्म इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट पिछले दो साल हम सब ने बहुत मुश्किल देखी है yeah. और हम सब चाहते हैं आज की तारीख में कि हमें फिर से मौका मिले जाके वो सब करने का जो जो पिछले दो सालों में हमारे हाथों से छूट गया वो चीज़ और यही होता है यू you नो know, जवानी में भी ऐसा होता है कि आप चीज़ों को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको ऐसा लगता है यार ये तो मैं कर लूंगा लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है यू you नो know, अगर दस लोग होते हैं उसमें से नौ लोगों की जिंदगी सफल नहीं होती सिर्फ एक इंसान सफल होता है okay. तो क्या उन नौ ने मेहनत नहीं की थी क्या उन नौ के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए क्या उनकी कोशिश में उनका दिल उनका खून उनका पसीना नहीं था तो ये फिल्म जो है ये ये कहती है आप जीते ना जीते लेकिन कोशिश करना ना छोड़ें क्योंकि कोशिश ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू वॉन्ट टू मेक योर ड्रीम दैट इज द ड्रीम द ड्रीम इज टू वेक अप एंड डू what यू लव with ऑल योर हार्ट every day, एंड दैट इज what मस्ट बी celebrated. क्या बात है सर <laughs> मैं कह रहा हूं सर मैं कह रहा हूं ये आदमी बहुत अच्छा बोलता भी है दिमाग भी बहुत अच्छा है एक्टर के साथ साथ राइटर भी अगली फिल्म के लिए साइन कर लो सो थैंक यू सो मच जिंदगी भर इनको साइन कर चुका हूँ सबके लिए सो मिस्टर मयंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड वंस अगेन ऑन थैंक यू थैंक यू अब आप देखिए खुद वहां बैठ के कैसी पिक्चर है पैसा कमाएगी और आपको भी पैसा मिलेगा एंड नाउ वॉट वी आर टू डू इज वी आर गोइंग टू अनवेल जर्सी ऑफ ड्रीम्स जैसा कि शायद ने कहा कोशिश सपनी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक वी आर नथिंग विदाउट आउट आर ड्रीम्स यू नो लाइफ वुड बी नथिंग इफ यू डोंट हैव ड्रीम्स एंड टुडे जर्सी इज़ गोइंग टू गेट यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ जर्सी मूवी तो है ही लेकिन आप लोग हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे वेर वी अनवेल द जर्सी ऑफ द ड्रीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो जब भी कोई पहली चीज़ होती है तो तालियां जोर ज़ार बन जाती है ना पहली बार जब प्यार होता है तो पागल हो जाते इंसान तालियां का बॉन all right so uh, first of all though i would request uh, obviously the three of you to uh, do this and unveil the jersey of dreams because uh, guys for the first time this is happening that the cast of a film is unveiling the jersey of the dreams in front of all of you Whoa! Already playing it on loop, and uh, I'm so happy to be here. We were not expecting it to be this great and amazing like a concert. So, thank you so much for that. And uh, I would like to know you know, when the music was created, you were a part of it, like Sachid and Parampara were mentioning. Um, at any moment, you were like, Arey, teen aur hone <laughs> This is not enough, we need more. <laughs> Hi, first of all, how are you? And thank you so much for uh, all the wonderful words about the music. And uh, all the credit should go to Sachetan Parampara. And even uh, this whole, you know, live concert vibe, uh, which I was feeling like, you know, and I'm like, I was not prepared for this, you know? Uh, so thank you for that. It was an amazing, uh, amazing little thing. And it was so much fun to see everybody enjoying themselves and participating. So thank you all for being a part of this really cool uh, little evening that we're having you never know what's going to happen tomorrow let's enjoy it while we can right sure. um, you know the thing with music and dances um, is that i feel that they are they are a wonderful part of movies but they should never intrude in the process of storytelling you know so i, I uh, in fact i haven't for example danced for over six years now in a movie i haven't because I, 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 I used to feel in the first part of my career that a lot of people would force a song or a situation into the film which was not you know which was not right for the film, but just for effect, you know. And so music also in this film being a sports drama and a human drama, there was very limited scope for music. Um, you know but within that limited scope, we wanted to create songs that will bring a smile to people's face. That'll uh, remind people of the film, you know, because the lyrics and the music of the film are, are pretty much the first feeling that you get when you watch a film trailer. You know, the sound really stays with you. And Meheram um, was that song for us, you know. Meheram tuhi hai mera. I don't know how, how many of you have paid attention to the lyrics, but Meheram um, is actually, you know, usually you're used to listening to a song which is all about, like, we can do it, we are going to win, you know, that, that kind. But this is actually a love ballad. It's a love ballad between man and destiny. You know and he's telling his destiny that I'm okay to accept everything you give me but I want you to come here and live with me to understand how I feel when you throw all those difficulties at me you know so I think it's a very beautiful interpretation to what a person feels when they lose what a person feels when they when they struggle and when they don't get what what they work so hard for you know and how difficult it is to be in that situation and i've been there you know i have been in that situation so many times where i have felt disappointed and 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 emotional and broken and um, uh, you know lost you know I, i'm sure all of us feel like that uh, so mehram is that song for all of us

So we wanted Mehram to be a song which, even though it's talking about things which are you know emotional, it should make you feel you know uplifted and, and make you feel motivated. And that's what the film is about, and that's what Mehram's about, and that's what the music of this film is about. Especially Meriye also, you know, it's a very hopeful song. It's a very it's a song full of hope and beautiful thoughts. Relationship between a son and a father. So you know, after we become parents, you know, after you became a father, I mean, we have seen your journey. We push harder, you know. So is that is um, you know is that with you as well? Um, when your first baby was born, then your second baby was born. You already successful actor, but now is it like I want to push harder? I want to. Already you are at the top, but it's like what beyond? Yeah, you know, the um, most important thing. Uh, जब आप पेरेंट बन जाते हो तो यू you नो know, उससे पहले आप आप अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहते हो यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ अ सर्टन वे यू नो यू हैव अ ड्रीम फॉर योर सेल्फ कि मैं एक दिन यहाँ पहुँचूँगा मैं एक दिन ऐसे करूँगा आफ्टर यू हैव योर चिल्ड्रन मेरे मन में वो थाट चेंज हो गया है कि हाउ विल माई चिल्ड्रन सी मी यू नो हाउ विल दे फील अबाउट मी टेन ईयर्स डाउन द लाइन फिफ्टीन ईयर्स डाउन द लाइन वेन यू नो वॉट आई डू टूडे आई विल बी रिमाइंड ऑफ दैट फिफ्टीन ईयर डाउन द लाइन ट्वेंटी ईयर्स डाउन द लाइन जब वो बड़े हो जाएंगे वन दे एल बी अड्ट एंड दे लुक बैक एन सी मी एट एट देर एज और एट अ एज विच देर गोइंग टू रीच विलय बी अ गुड एग्जाम्पल विल लाई बी सम्बड़ी देर लुक एट एन एंड यू नो बिकॉज बच्चे बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं यू नो तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना तो बच्चे उसको एम्यूलेट करते हैं बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट टू यू नो मेक दैम सी द राइट थिंग्स तो मेरे मन में हमेशा यही होता है दैट

अपने बेटे की नज़रों में मैं इससे yes. एक कतरा भी कम मैं होड़ नहीं देंगे यू नो एंड आई आई कुड फील इट सो डीपली बिकॉज आई नो हाउ मच इट मीन्स टू मी हाउ माई चिल्ड्रन लुक एट मी इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर मी यू नो सो दे लिफ्ट योर स्पिरिट या दे आर माई स्पिरिट आई टेल माई सन एंड माई डॉटर यू नो वन माई डॉटर वॉज बॉर्न आई टू से माई योर इन माई हार्ट एंड देन आई हैड टू सो आई वज लाइक अभी मैं हार्ट को डिवाइड कैसे करूँ सो आई टोल्ड आई सेट यू नो यू हैव द राइट साइड ऑफ माई हार्ट एंड जेन हैज द लेफ्ट साइड ऑफ माई हार्ट So they're in my heart all the time, you know. Thank Everyone has a dream. We are talking about your dreams. So everyone has a dream of marathon, Oscar, or filmfare, you know, or something like that. But is there any dream which is uncomplete for you, and your journey of the dream? I think life is a dream, man. And you know, the beauty about life is till the day you live it, it's incomplete. And you can fulfill whatever you want to do. It's never too late. You can take your life and mess it up completely and be at the lowest point in your life. But you know what the beauty is? Till you are alive, you can turn that around and walk right back into the middle of life and do the best that you can. And I think whatever age you are at, if you just have that kind of a spirit and that kind of a thought, that if I decide to start moving in the right direction today, I'll get there. You know, and life's not easy. It's full of so many challenges, and it's long. You know, you have three sixty-five days in a year. Every day you wake up, and you have to live that life. Why waste it? Live it the way you want to live it.

The the younger you are, the less you respect time. The older you get, the more you respect time because you know you have less of it. That's just human nature. But is there any dream which is not completed yet or you have yet to achieve? Abhi party hai. Munal, and what about you? Munal. I want to be uh, known as an all rounder, a versatile actress, and जो किताब है वो वो बस पाना है एक दिन आई जस्ट वॉन्ट भी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल द काइंड ऑफ श्रेन रोल्स इंड यू नो दैट्स माई ड्रीम एवरी डे आई वेक अप आज कुछ अलग करना है बट आई डोंट नो वॉट सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड एम मेकिंग श्योर दैट आई टेक वन डे एट अ टाइम देर आर डेज वेर आई वॉन्ट टू गिव अपट दैट वॉज द ट्स

अगर आप यू नो ट्रैवल कर रहे हैं तो दुनिया देखिए अगर आप घर पे बैठे हैं तो अपने बारे में अपनी जिंदगी के बारे में अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए यू नो एवरीथिंग इन लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी सो आई जस्ट वॉन्ट लाइफ टू द फुलेस्ट एंड फील दैट आई एक्सपीरियंसड एवरीथिंगट आई कुड दैट्स माई ड्रीम दैट्स रियली माई ड्रीम्सो <laughs> <laughs> बोल गई गई क्या रही रही थी मैं हमारा है 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 ना 31st December, साथ में तो वो ले रो रोने मेरी रोने मेरी बहन लग लड़की काम ये वाली जो भी काम करती है इसके पास एक बहन है जो इसको देख के बस रोती रहती है आई विश मेरा भी एक सिबलिंग होता है ईशान तो ऐप्स बनाते रहता है अपने पूरे टाइम मेरा भी एक सिबलिंग होता है जो पूरे टाइम मेरे पास रहता अच्छा कर रहा है

एक्चुअली अगर आप इस फिल्म का जॉनर देखें और अगर आप इस फिल्म की क्या है अभी आप लोगों ने थोड़े बहुत प्रोमोस देखे हैं और कभी कई बार ऐसा होता है कि एक फ़िल्म की छाप जो है वो रह जाती है तो मुझे भी ये फ़नी लग रहा है क्या लोगों को ऐसे क्यों लग रहा है बट देन इट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट कि शायद पीपल स्टिल हैव दैट कनेक्शन विद द कैरेक्टर ऑफ कबीर यू नो सो उसकी झलक बिकॉज है हूँ तो मैं ही mm. तो कहीं ना कहीं तो झलक दिख जाएगी यू नो चाहे मैंने अलग कपड़े पहने हो बट फेस तो वही है सो so, uh, एक्चुअली इस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म जो थी हमारे जो सिलवेट्स हैं वो वैसे ही हैं और म्यूज़िक तो सचेत परंपरा की है तो यू नो उनकी आवाज़ है और डेफिनेटली रॉक सॉन्ग है यू नो जैसे बेखयाली वॉज ऑल्सो इन द जॉर्नर ऑफ अ रॉक सॉन्ग महरम इज़ ऑल्सो इन द जॉनर ऑफ अ रॉक सॉन्ग बट यू नो दोस्त अभी यूट्यू यूटूब जैसे अगर आप देखिए उनकी रॉक म्यूज़िक होती है तो वो तो उसी तरह की म्यूज़िक पूरी जिंदगी बनाते हैं माइकल जैक्सन की म्यूज़िक माइकल जैक्सन की लगती थी तो यू you नो know, एक फ्लेवर uh, होता है एक पर्सनैलिटी होती है एक uh, एक स्पेस uh, होती है जैसे आप कुछ क्रिएट करते हो तो वो तो हमेशा रहता ही है बट द इमोशन इज़ कंप्लीटली डिफरेंट द स्टोरी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी इज़ आई मीन वेन आई डिड दिस फिल्म आई वॉज लाइक दिस इज़ अ कंप्लीट थ्री सिक्सटी टू वट आई हैव डन बिकॉज बहुत बैकफुटेड पर्सनैलिटी है इस कैरेक्टर की बट हाँ मैं नहीं चाहता था कि यू uh, नो you know, दो तरह के लोग होते हैं एक वो होते हैं जो लाइफ में गिव अप कर चुके होते हैं यू you नो know? और एक वो लोग होते हैं जो लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर आग होती है तो मैंने हमेशा यही सोचा था कि अर्जुन के अंदर आग तो बहुत होगी नहीं तो वो इस उम्र में ऐसा थाट सोच ही नहीं सकता यू नो लोग गिव अप कर देते हैं दे आर द वेरी पैसिव अबाउट द लाइफ सो वो आग वो इंटेंसिटी वो पैशन इस कैरेक्टर में है और शायद वो इंटेंसिटी शायद कबीर सिंह के कैरेक्टर में भी फॉर वेरी डिफरेंट रीजनस थी सो मे बी दैट्स ड्राॅइंग सम सिमिलैरिटीज़ बट यू नो प्लीज़ इस फिल्म को मौका दीजिए जब आप ढाई घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यू you नो know, तब तक तो वही यादें ताज़ा होंगी जो आपको अभी अभी आपके मन में हैं या इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ समथिंग बट द इंटेंशन वॉज नेवर टू डू एनी थिंग सिमिलर बिकॉज जो हो गया वो हो गया आप कुछ नया रीमेक यानी ये ऑलरेडी साउथ में फिल्म बन चुकी है तो हाउ तेलुगु साउथ बोलते हैं तेलुगु में सो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्टॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन दैट फिल्म लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ परसेप्शन बन जाते हैं उस uh, फिल्म को देख कर तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्टज फॉर एन आर्टिस्ट टू एक्ट इन सच फिल्म लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर गौतम सर उसके लिए क्योंकि जब उन्होंने मुझे कास्ट किया एज विद्या उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मृणाल आप सारा नहीं है विद्या है तो आप इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से प्ले करिए तो जब आप सेट पर जाते हो जब आपका डायरेक्टर आप पर इतना फेथ और उम्मीद लगाए यू नो व्हेन ही एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग यू जस्ट फील लाइक यू आर प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर ऑल टुगेदर यस श्रद्धा और नानी दोनों ने इस वो दोनों कैरेक्टर्स को इतने बखूबी से उन्होंने प्ले किया है तो उन्होंने ऑलरेडी बेंच मार्क वहाँ सेट किया था बट हमारे डायरेक्टर सर गौतम सर ने ही ऑलवेज टोल्ड मी मृणाल कुछ प्रेशर नहीं है समटाइम्स आई यूज टू फील लाइक थोड़ा एन्जाइटी हो जाती थी कि सर श्रद्धा ने इतना परफॉर्म अच्छा परफॉर्म किया हाउ विल आई बी एबल टू डू इट विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट ही हिस जस्ट रिलैक्स दिस इज़ विद्या नो वन हैज़ प्लेड विद्या बिफोर सो यू डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू डू इट मैं आपको इनपुट्स देता रहूँगा ऑब्वियसली एंड यू नो इट नॉज सो लवली टू हैव शाहिद्स

तो ये फॉर्मूला मतलब है लेकिन एग्जाम exam, एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए सो so, कभी कभी यू नो कोविड के दौरान जब छः uh, सात महीने का गैप हो चुका था तो इट वाज वेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं तो इट वाज रियली नाइस टू हैव अ तेलुगु वर्जन ऑफ इट टू गो बैक एंड रीलिव द मोमेंट्स और कहीं ना कहीं मुझे इट हेल्प मी इट रियली रियली हेल्प मी सो आई एम आई एम आई डिन नॉट फील दैट प्रेशर एज मच क्वेश्चन The last film you acted in was Kabir Singh, which was a remake of a Telugu film. And now, after a big gap, we are seeing you in a remake of a Telugu film, Jersey. So, one question is Do you have a kind of a strike a balance between doing the films by selecting the bang on target, the potential hit films? And number two, when you, as an actor, act in these films, in what way you

मैं फिल्में कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करता हूँ यू नो और uh, मैंने जब कबीर सिंह की तो उससे पहले मैंने कभी कोई रीमेक नहीं की थी uh, लेकिन जैसे यू uh, नो you know, जब हम uh, हैदर बना रहे थे इट्स एन अडेप्टशन ऑफ हैमलेट यू नो और कई साल पहले शेक्सपियर ने कहा था कि यू नो नो स्टोरी दैट हैजन बीन टोल्ड बिफोर यू नो सो so, शायद ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू you नो know, आप किसी चीज़ को इंटेलेक्चुअली जब सोचते हो उसके बारे में तो आप उसको इंटेलेक्चुअली देखते हो यू you नो know, वो आपकी जगह है वो आपका काम है एज एन आर्टिस्ट मुझे चीज़ों को बहुत ओपननेस और फ्लूडिटी के साथ देखना पसंद है मुझे ये नहीं अच्छा लगता कोई मुझसे कहे ये सही है और ये गलत है कौन हो आप मुझे बोलने वाले क्या सही है क्या गलत है अच्छा लगा मज़ा आया दिल को छुआ मेरे लिए फिल्में उतनी हैं यू नो जब मार्टिनकोसेसी डिपार्टेड कर सकते हैं आफ्टर इंफर्नल अफेयर्स तो मैं कौन हूँ यार इतना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए डू एनी रीमेक्स अरे यार अच्छी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं और मैंने जब ये दो फिल्में देखी दे रियली लाइक हिट मी हार्ड यू नो तो मुझे ऐसा लगा एज ए व्यूअर अगर मैं इस फिल्म को इंजॉय कर रहा हूँ तो और मुझे एज एन एक्टर अगर ये रोल बहुत एक्साइटिंग लग रहा है तो आई विल भी लिमिटिंग माई सेल्फ बाई थिंकिंग लाइक दैट यू नो सो जो मुझे दिल को ऐसा लगता है कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ मैं वो फिल्म कर लेता हूँ और एक्चुअली कबीर सिंह के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये फिल्म नेक्स्ट नहीं करूँ क्योंकि मेरे मन में भी ये था यार दो रीमेक्स यार मैं नहीं यार लेकिन आ, मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी अच्छी लगी नहीं जितनी अच्छी मुझे ये फिल्म लगी और तीन महीने चार महीने तक मैं सोचते ही रहा इस फिल्म के बारे में एंड हाउ आई फेल्ट व्हेन आई सॉ द फिल्म और इस फिल्म का जो मैसेज है मैं चाहता था कि वो मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ और अगर इस जैसे इस ऑडिटोरियम में सौ सवा सौ लोग बैठे हैं वो अगर ये फिल्म देखें और इनमें से अगर 25 लोगों को भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ बिकॉज इट चेंज्ड मी फॉर एवर जो इस फिल्म का मैसेज है इट चेंज मी फॉर एवर अगर वो 25 लोगों को भी फील हो गया मुझे लगेगा दैट आई डिड समथिंग अमेजिंग यू नो सो दोज़ वर माई रीजन्स मैं आई डोंट ट्राई टू क्लब आई डोंट ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आई गो विद हाउ आई फील इफ आई लाइक समथिंग आई डू इट एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड

cricket is the character that he's playing, a cricketer, ex-cricketer. but film is about the heart. it's a, it's a human story, husband, wife, ki kahani, hai, -bete ki kahani hai, and he happens to be a cricketer. so we're not even if you notice in the whole promotion and everything, hamna cricket ni bechai. yes, he is a cricketer by profession. but that is not the film. and that's how we presented it throughout. and that's why we're not looking at it as another cricket film. And, and sorry, as an exhibitor, i want to add, we have really a lot of inquiries about jersey.

जी uh, आपका सवाल तीन चीज़ें आपने पूछी yeah. आपका लास्ट पार्ट जो था इट्स काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड टू द फर्स्ट टू बट आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट इज़ वेल द प्रोमो ऑफ एटी थ्री आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड आई वुड माई सेल्फ लव टू गो एंड सी द फिल्म इट्स अबाउट मैन इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड इट्स अस जर्नी दैट एवरी वुड वॉन्ट टू सी बहुत खूबसूरत फिल्म है बहुत अच्छी लग रही है um, उसके एक हफ्ते बाद एक और फिल्म आ रही है जर्सी जो हमने बनाई है जो बहुत इमोशनल फिल्म है और उसका बैकड्रॉप भी क्रिकेट है तो लोग दोनों फिल्में जाके देखें दोनों फिल्में इन्जॉय करें क्रिसमस पे भी लोग बाहर जाते हैं न्यू ईयर पे भी बाहर जाते हैं तो पीपल आर गोना स्टेप आउट पीपल आर गोना वॉच मूवीज अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी जगह ढूंढ लेती है यू you नो know? तो uh, अब ऐसा ही टाइम है क्योंकि दो साल से यू you नो know, थिएटर्स काफ़ी देर के लिए बंद थे तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं की इस डर से कि बड़ी सारी फिल्में साथ में आ रही हैं बट आई थिंक अगर आप अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं और अगर आप पैशनेट हैं और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है तो यू विल बिलीव कि अगर एक हफ्ता ऑडियंस के पास है डिसाइड करने का कि उनको मेरी फिल्म कैसे लगती है तो उसके बाद मेरे पहले कोई फिल्म आए मेरे बाद कोई फिल्म आए उसकी उसकी अपनी किस्मत है हमारी फिल्म की अपनी किस्मत है सो वी विश 83 थ्री ऑल द बेस्ट एंड वी रियली विश दैट इट डज़ वेल बट वन वीक लेटर वे रिलीजिंग एंड वी होप वी डू अमेजिंग वेल टू चाहिए आपसे जानना चाहूंगी कि न्यू ईयर प्लान क्या है आपके और क्या कुछ न्यू सेट आप करने वाले हैं गोल को लेकर। What new year goals do I have? Yeah. I only want to hear new year sixes, madam. Goal तो football में होता है अभी हम cricket के जोन में हैं। Yeah. All right. You got your answer. Uh, शायद एक्चुअली एक सरप्राइज आपके और uh, मृणाल के लिए अभी आप किस्मत की बात थे, तो देर इज लाइक आई कैन प्रोमिस ये वाला पसंद आएगा सो so, आपका आपका एक फैन है बहुत बड़े नैतिक जैन कैन वी हैव यू ऑन स्टेज सो बेसिकली इन्होंने आपका और मृणाल का एक बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाया है एंड ही एब्सोलुटली अडोर्स द टू ऑफ यू सो

नैतिक मम्मी को बोल देना धोइनी नहीं। राइट क्या बात है और राइट थैंक यू सो मच नैतिक फॉर हियर विद अस एंड Uh, शायद आई थिंक अब आपको सरप्राइजेस पसंद होंगे सो दे इज लास्ट सरप्राइज दैट वी हैव फॉर यू हर्षिता किधर हो हर्षिता खेमचंदानी जी ये आपकी इतनी बड़ी फैन है और आई थिंक ये सचेत परंपरा को भी बहुत कंपटीशन देना चाहती हैं आज शी वॉज लाइक कि मैं परंपरा कोई सारा फैन डम क्यों लेने दूँ मैं भी गाती हूँ शी हैज़ प्रिपेयर अ स्पेशल सॉन्ग फॉर ऑफ यू कैन वी हैव हर्षिता and i would request Sachet parampara to stay back here so that we How can have you the photo op no, <laughs> no, to stay back so that we can have the photo op with all of you <laughs> <Online. laughs> thank you so thank uh, you thank you online beshna mata all right so you guys can have the photo op here Uh, but we would request uh, Shahid and Nanal um, to uh, stay back here because we have some winners who would love to get pictures done with you. So please, five more minutes. The winners of the Jersey of Dreams contest. Can we have the winners here, please? Thank you guys for participating in the Jersey of the Dreams contest. राइट right, जिनका पिक्चर हो गया है आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज एग्जिट ओके आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्टेप अल बैक प्लीज एक एक करके एक एक करके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए यू विल गेट द पिक्चर्स आप थोड़ा सा दूर Okay, hold on. Send them one by one. Okay, great. We know that you're winners and you will get the pictures. Just come one by one. Okay, don't worry. You will get the pictures. Anyone from Singapore? Please come. That's it. We are done. From This is the final one.